नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा के बानापुरा रेलवे स्टेशन पर लगभग 100 वर्ष से भी पुराना अधिक नागकन्या देवी का मंदिर एक छोटा सा है। आपने अधिकांश जगहों पर सिर्फ नाग देवता या नाग देवी का मंदिर देखा होगा और पूजा की होगी। नर्मदापुरम जिले के साथ मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर ही होगा यह एक खास मंदिर, जहाँ नाग देवी कन्या के रूप में विराजमान है। इस रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले हम्माल और मंदिर की देखरेख करने वाले मोतीलाल जैन बताते हैं कि कई वर्षों से हम्माल और व्यापारी यहां काम कर रहे हैं। काम से पहले सभी लोग इस मंदिर में सर झुकाकर प्रणाम कर काम की शुरुआत करते हैं। कई बड़े वाहन यहां आते जाते हैं, पर आज तक नाग कन्या देवी के आशीर्वाद से कोई अनहोनी यहां नहीं हुई है। रेक पॉइंट मुकदम शेख आशिफ का दावा है कि सभी की रक्षा नाग कन्या देवी यह करती हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी आज तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। जब से रेक चलता है, दिन रात बड़े वाहनों सहित यात्रियों की भीड़ की आवाजाही लगी होती है, परंतु कभी किसी तरह की कोई भी दुर्घटना यहाँ नहीं घटी है। जिले का एकमात्र मंदिर है, क्या विशेषता है इस नागकन्या मंदिर? इसकी पूजा पाठ करते हैं, बनवाया है इसको सब हिमालयों ने और अग्रवाल समाज वालों ने मिलकर सबने इसको बनाया है और इसकी पूजन पाठ करता हूँ मैं। और इतना पुराना मंदिर है, क्या खासियत है, क्या विशेषता है इसकी? कई वर्षों पुराना मंदिर है इसके। नागकन्या की मूर्ति ये सामने रेलवे के कुएं में निकली थी, तो हमारे बुजुर्गों ने वो मूर्ति को निकाल के यहाँ पे कच्चा वो बना के वो करा था, तो वो कई सालों से हमने संभाला, जब तो पक्का बनवाया उसको। तब मेरे को करीबन यहाँ पे 60 साल हो गए, 60 या 70 साल। मंदिर की विशेषता के बारे में बताइए। मंदिर की विशेषता यह है कि ये मंदिर बहुत पुराना, लगभग मेरी उम्र तो 44 साल है, और अभी हमारे काका ने जैसे आपको बताया उनकी उम्र कम से कम 65 से 70 के बीच में उम्र है, और कम से कम 100 साल से भी पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर यहाँ एकमात्र मंदिर है, मतलब होशंगाबाद जिले में, और मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में भी एकमात्र ही मंदिर होगा। यहाँ पर आसपास शहर के सभी लोग, एकमात्र मंदिर होने के कारण नाग पंचमी पर और विशेष पर नाग पूजा होती है तो यहाँ पर आते हैं, और रेल यात्री भी यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ कर कर जाते हैं। और यहाँ पर जो रेक एक लगती है, तो कई बार सल्टिंग वगैरह होती गाड़ी आगे पीछे, तो कई लोग यहाँ पर दुर्घटना से बच गए, मतलब तो कुछ चमत्कार ये भी है मेरा मानना है। और यहाँ के हमारे मजदूर भाई जो है, इन्होंने ये रेक लगता है यहाँ पर, रेक के हमारे कम से कम 150 से 200 लेबर है, और हमारे ट्रांसपोर्टर ठेकेदार और व्यापारी और अग्रवाल समाज द्वारा ये भी लॉकडाउन में इस मंदिर का पुनर्जीवन निर्माण किया गया, तो सभी ने उसमें सहयोग किया गया।